इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। 9 क्लास से है ये चैप्टर। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर हमारे लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। देखिए क्या है इसका आंसर। द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट मेंटेन्स एन अप्रोप्राइट क्लाइमेट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ बाय कैरिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, जो हमारी अर्थ है यहाँ पे एक इस तरह का क्लाइमेट बना के रखता है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो देखिए करता क्या क्या है हमारा एटमॉस्फेयर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो अर्थ का टेम्परेचर है डे टाइम पे, जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब टेम्परेचर एकदम से ना बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत कम होगा, एवरेज टेम्परेचर रहेगा आपका। दूसरा क्या है, इट प्रिवेंट अ सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम पे एकदम से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जैसे आप देखते होंगे मॉर्निंग में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, फिर हल्का हल्का टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, फिर जो आपका नून टाइम आता है उसके बाद फिर टेम्परेचर में थोड़ा 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 डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होगा और एकदम से बहुत कम नहीं होगा। दूसरे प्लैनेट्स पे तो क्या होता है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। रात को टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन टू द आउटर सरफेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। देखिए नाइट टाइम पे तो क्या होगा, सनलाइट तो होगी नहीं, तो जो दिन में आई हुई सनलाइट है उसको एकदम से हमारा एटमोसफेयर बाहर जाने से रोकता है। मतलब एकदम से सारी हीट बाहर निकल गई तो क्या हो जाएगी, ठंडी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो हीट बाहर निकलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो कैसे निकलती है, धीरे धीरे, स्लो डाउन। ठीक है, क्या कैसे निकलती है वो, स्लो डाउन प्रोसेस से निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए वाटर एसेंशियल क्यों है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये जो छोटी क्लासों में करते थे हम, कि हमें इसमें बात करते हैं, इससे खाना पकाते हैं, ये बहुत सारे जो डेली रूटीन के जो वर्क हैं हमारे वो सब वाटर का यूज़ करके ही करते हैं। लेकिन अब आप इस लेवल पे इस तरह के आंसर्स नहीं देंगे आप, तो यहाँ पे देखिए किस तरह के आंसर देने हैं आपको, लॉजिकल आंसर देने हैं आपको, साइंटिफिक आंसर देने हैं। तो देखिए जो फर्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं आप उनको। वो दो तरह की होती है, एक तो होती है एनाबोलिज्म और दूसरी होती है आपकी कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ठीक है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो ये सारी रिएक्शन होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम क्या है हमारे लिए, वाटर। ठीक है, वो मीडियम कौन है हमारे लिए, वाटर। तो जितनी भी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी, और वो मीडियम क्या है हमारे लिए, हमारा वाटर। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस नीड वाटर एज अ मीडियम। देखिए आपने खाना खाया है, उस खाने को हर सेल तक पहुँचना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। ऑक्सीजन जो लंग्स के पास गई है उसको भी ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। जो बॉडी के अंदर वेस्ट बना है उसको भी ट्रांसपोर्ट करके किडनी तक भेजना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चलती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको एक मीडियम की जरूरत चाहिए, और वो मीडियम क्या है, हमारा वाटर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं वाटर लाइफ को मेंटेन रखने के लिए क्या है, एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द सॉइल, आर ऑर्गेनिजम्स डेट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सोयल एज अ रिसोर्स। तो देखिए क्या है आपका फर्स्ट पार्ट बोला है यहाँ पे, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सोयल के ऊपर डिपेंडेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है, क्या जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं क्या वो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट है सोइल पे, या वो भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, आपको पता ही होगा, हम डायरेक्टली खाना प्लांट से ले भी लेते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं या फिर गन्ना वगैरह खाते हैं, तो ये डायरेक्ट प्लांट के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम। लेकिन हम इनडायरेक्टली भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि प्लांट को खाएंगे आपके एनिमल्स, एनिमल का मिल्क, मीट, एग्स वो कौन खाएगा, ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पे, आप बोल सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोइल के ऊपर डिपेंडेंट है। जो प्लांट है वो भी सोइल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों है प्लांट सोइल के ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि जो प्लांट है उनको सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के साथ साथ उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कि मिट्टी के अंदर होंगे अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। वो उनको कहाँ से मिलेंगे, मिट्टी से मिलेंगे।
दूसरा आप बोल सकते हो कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, वो अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वो प्लांट और एनिमल किसके डिपेंडेंट है? सोल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप बोल सकते हो कि हम या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आप बोल सकते हो सोल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, कि जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं क्या वो सोइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोइल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फूड एंड देयर सब्सटेंस। जो जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट। देखो एक्वेटिक एनिमल्स किसको खाएंगे? एक्वेटिक प्लांट्स को खाएंगे, और एक्वेटिक प्लांट्स को भी क्या चाहिए? मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, और मिनरल्स कहाँ से आएंगे? मिट्टी से ही आएंगे। कैसे आएंगे मिट्टी से मिनरल पानी के अंदर? जब हमारी बारिश होगी तो जो बारिश का पानी है वो वाटर बॉडीज के अंदर चला जाएगा, रिवर मिट्टी को बहा के ले जाएंगी, तो जो आपके मिट्टी है वो किसी ना किसी तरीके से कहाँ पहुँच जाएगी? आपके वाटर रिजर्वोयर्स के अंदर, और वाटर रिजर्वोयर्स के अंदर वो प्लांट यूज़ कर लेंगे उसको, मिनरल्स को, और फिर प्लांट को कौन खा जाएंगे? आपके एनिमल खा जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी उसको इमेजिन करना भी क्या है, इम्पॉसिबल है बगैर किसी सोयल जो कि मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे उनके। मीन्स एक डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि प्लांट जो कि अर्थ के ऊपर आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, और जो कि आपके एक्वेटिक प्लांट हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोइल एज अ रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड इन न्यूज़पेपर्स? हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर? ठीक है, तो देखिए आपने कई बार देखा होगा जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती है या फिर जो न्यूज़ आती है टीवी के अंदर, वहाँ पे ना साइड में आपका टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, प्रेशर, वो सारी चीज़ें ना आपको डाटा कलेक्शन करके आपको बता देते हैं। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसका काम क्या होता है? वेदर प्रिडिक्शन करना। तो वेदर प्रिडिक्शन में क्या क्या ये प्रिडिक्शन करते हैं? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, ठीक है, क्या प्रेडिक्शन करते हैं ये? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे एलिमेंट्स को ये क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब इन चीज़ों को मापने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मापता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेनफॉल मापते हैं उसको रेनगोज बोलते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम विंड स्पीड मापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं या जो आपके एलिमेंट्स हैं वेदर के, उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वी नो डैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर बॉडीज एंड सोइल। डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, हवा का भी, पानी का भी, मिट्टी का भी। तो आप ये आगे क्वेश्चन किया गया आपसे कि ये तो आपको पता ही है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है इन सभी एक्टिविटीज़ से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो आगे इन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इस बारे में सोच सकते हैं कि जो लिमिटेड एरियाज़ कर दिए जाए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्या उससे हमारे पोल्यूशन की दर में कोई कमी आएगी, कोई गिरावट होगी? तो देखिए बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर हम फैक्ट्रीज़ वगैरह लगानी है हमें, या कोई भी इस तरह का काम करना है हमें, माइनिंग करनी है, तो हम ऐसे एरिया में जाके करें जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, और पॉपुलेशन कम होगी तो वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है वो भी कम होगा, और जो वहाँ के जो पर्संस हैं उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले पार्ट का आंसर तो देखिए क्या आपका, यस ह्यूमन एक्टिविटीज़, आइसोलेटिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू अ स्पेसिफिक एरिया हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ को कहाँ पर सेटअप कर दें, आइसोलेटेड रीजन्स के अंदर, उससे पोल्यूशन में कंट्रोल आ सकता है। पोल्यूशन क्या करता है, जो भी इंडस्ट्रीज से आने वाला पोल्यूशन है वो कंटेमिनेट कर देगा वाटर रिसोर्सेज को, एग्रीकल्चर लैंड को और फर्टाइल लैंड को। तो इसलिए अगर हम इन एक्टिविटीज़ को एक आइसोलेटेड एरियाज़ में अगर हम रन करेंगे तो इससे हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नोट ऑन हाउ फैक्ट फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज. आपको बताना है कि जो आपके फॉरेस्ट हैं वो कैसे क्वालिटी ऑफ एयर सोइल वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट आपको पता है प्लांट्स होंगे वहाँ पे बहुत सारे, प्लांट्स होंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और CO2 को क्या कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा. तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, बैलेंसिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर. क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे क्या निकलती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ यूज़ कर लिया, फोटोसिंथेसिस के लिए. और क्या निकालते हैं वो, ऑक्सीजन गैस. दूसरा क्या करते हैं, फॉरेस्ट सोइल इरोजन को रोकते हैं. कैसे, क्योंकि जो फॉरेस्ट के जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के साथ बाइंड अप हो जाती हैं, और जब मिट्टी के साथ बाइंड अप होंगी तो वो जल्दी से उड़ के या पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगी, तो सोइल इरोजन नहीं होगा आपका. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका. थर्ड पॉइंट देखिए, फॉरेस्ट हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. फॉरेस्ट किस में हेल्प करते हैं, वाटर रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब जल चक्र में भी हेल्प करते हैं. वो कैसे करते हैं, देखिए जो वाटर होंगे तो बहुत सारा ट्रांसपिरेशन करेंगे, वाटर फॉरेस्ट होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा. ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, जो बहुत सारे वाटर वेपर सब वो कहाँ पे चले जाएंगे, हेयर के अंदर चले सॉरी एयर के अंदर चले जाएंगे. और जो एयर के अंदर जाने के बाद जो वाटर वेपर्स वो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे. और क्लाउड्स जब बारिश आएगी वहाँ से तो दोबारा से वाटर बॉडीज को क्या कर देगा, रिचार्ज कर देगा. तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल हैं बहुत सारी चीज़ों को, ये बैलेंसिंग रखते हैं.